क्या आप मुझे सीधा हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं? क्या पुनर्जन्म होता है? हमें विज्ञान के द्वारा इतने सबूत मिलते रहे हैं कि पुनर्जन्म होता है। मुझे लगता है कि पुनर्जन्म को मानकर लोग वास्तविकता से भाग रहे हैं। क्या आप साफ साफ इस पर बोल सकते हैं? मुझे लगता है कि यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप साफ साफ इस पर बोलें। क्या पुनर्जन्म होता है या नहीं होता, ये सवाल पूछा गया है। अभी मैं इस पर बहुत साफ साफ बोलूँगा, सीधा सरल बोलूँगा, ठीक है? यह पुनर्जन्म का विचार ईसाईयत के क्रिश्चियनिटी के हजारों साल पहले से आया है। भारत के प्राचीन हिंदू विश्वास करते थे कि पुनर्जन्म होता है। उन्होंने पुनर्जन्म पर बहुत बातें की और लगभग पूरे एशिया में ये फैल गया। अब पुनर्जन्म होता क्या है? क्या है जिसका पुनर्जन्म होता है? वो क्या है जिसका पुनर्जन्म हो रहा है? उसका पहले भी पुनर्जन्म हुआ है। जब आप पुनर्जन्म कहते हैं तो इसका मतलब जिसका पुनर्जन्म हुआ है उसका पिछला जन्म भी एक पुनर्जन्म था। क्या आप इसे समझ पा रहे हैं? ये पहली बात। दूसरी बात, पुनर्जन्म पर विश्वास करके लोग जीवन मरण के प्रश्न से वास्तविकता से भाग रहे हैं, ऐसा प्रश्नकर्ता बोल रहे हैं। क्या आप लोगों को लगता है कि लोग वास्तविकता से भाग रहे हैं, सच्चाई से भाग रहे हैं? मनोरंजन के पीछे भाग रहे हैं, फुटबॉल देखने के पीछे भाग रहे हैं या बास्केटबॉल का मैच? और क्या मैं इसमें चर्च को, गिरजाघर को भी शामिल करूं? लोग वास्तविकता से भागने के लिए, सच्चाई से भागने के लिए चर्च भी जाते हैं, गिरजाघर भी जाते हैं। हाँ, ये सच है। चर्च भी एक अलग तरह का, एक अलग प्रकार का मनोरंजन ही है। दूसरे लोगों को हम थोड़ा बाजू में रखते हैं। क्या मुझे निजी तौर पर सच में जानना है कि पुनर्जन्म क्या होता है? क्या ये होता है या नहीं होता? वो क्या है जिसका पुनर्जन्म होता है? अभी आप यहाँ बैठे हैं, ऐसा क्या है जिसका फिर से जन्म हुआ है? और वह क्या है जो जीवन है, जो जिंदा है? पुनर्जन्म मतलब अगला जन्म, जो भविष्य है। मैं पूछ रहा हूं, जिसका भविष्य में फिर से जन्म होगा वो अभी इस वक्त, इस क्षण यहाँ क्या है? क्या आपको मेरा सवाल समझ रहा है? सर, आपके भीतर इसका परीक्षण कीजिए। अभी यहाँ आप बैठे हैं, यहाँ कुछ भी तो नहीं। आप मुझे सुन रहे हैं,
जो आपको सुनना पसंद है या ना पसंद है, जो भी कारण हो। और बाकी कुछ नहीं। लेकिन जब आप घर जाओगे, तब आपके रोज़मर्रा के जीवन में क्या क्या शामिल है, जो पुनर्जन्म के विषय है, जिन्हें हमने हमारे जीवन में स्थान दिया है, जिनसे हमने खुद को भर लिया है, आपका तनाव, आपकी इच्छाएं, आपके लगाव, आपके विश्वास, आपका डर, गुस्सा, खुशी इत्यादि, है ना? क्या यही सब फिर से अगले जन्म जन्म लेने वाला है? वो क्या है जिसका बार बार जन्म हो रहा है? मैं जो बोल रहा हूं, क्या आप इसे समझ पा रहे हैं? जो लोग मानते हैं, विश्वास रखते हैं कि पुनर्जन्म होता है, तो क्या वो लोग ये कह रहे हैं कि इस जन्म में जो भी हमारे पास है, जिन विषयों से हम बने हैं, उन्हीं सारी चीज़ों के साथ, बातों के साथ, शायद थोड़े परिवर्तित, थोड़े संशोधित होकर हमारा फिर से जन्म होगा, है ना? अगर तुम्हारा मानना, अगर तुम्हारा विश्वास सच है, विश्वास तो कभी सच नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी हम मान के चलते हैं, तो आप अगर पुनर्जन्म में विश्वास करते हो, तो इसका मतलब है, जैसे आप अभी है, इस वक्त जो आप है, जैसे आप है, ये भी तो आपका पुनर्जन्म ही है ना? तो जैसे आप इस जन्म में हैं, वैसे ही अगले जन्म में भी होगे, शायद उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन होगा, संशोधन होगा, है ना? इसे कर्म कहते हैं। अब मैं उसमें नहीं जाऊंगा। कर्म मतलब क्रिया, कार्य, एक्शन। अगर अभी इस वक्त वर्तमान में मैं तनाव में हूँ, गुस्से में हूँ, जलन में हूँ, तुलना में जी रहा हूँ, तो अगला जन्म भी इसका ही संशोधित रूप होगा, बराबर? यह बहुत सीधी बात है, सरल है, इसके प्रमाण भी है। हमारे पास हिंसा के प्रमाण हैं, हमारे जीवन का बीता वक्त हमारा सबूत है, शायद वो यादें जो हमारे पिछले जन्म की है, हमारे पास इसके भी सबूत है। हमारे जीवन का बीता वक्त हमारा सबूत है, शायद वो यादें जो हमारे पिछले जन्म की है, हमारे पास इसके सबूत है। वही यादों का ढांचा मैं अभी हूँ, अभी वर्तमान में जो मैं अभी हूँ, वही अतीत की सारी यादों से बना हूँ, जिसमें हर क्षण संशोधन हो रहा है, वो मॉडिफाई हो रही है, वो ढांचा मॉडिफाई होते रहता है। मैं का, अहंकार का, व्यक्तित्व का फिर से जन्म होता है, और इसके प्रमाण भी है। ये लाखों सालों का यादों का ढांचा है, वही तुम हो, पूरे मानव जाति की अब तक की कहानी। यह स्वाभाविक भी है, बहुत साफ है, सरल है। लेकिन पुनर्जन्म है या नहीं, इससे कई गुना जरूरी है। देखिए, मैं अभी साफ साफ इस पर बात कर रहा हूँ, कृपया मेरे साथ बने रहे, मेरे साथ साथ चलिए। पुनर्जन्म है या नहीं छोड़ दीजिए,
सबसे मौलिक जीवन में कुछ अगर है तो इस यादों के ढांचे से जो तनाव है, परेशानी है, दुख है, वही अहंकार है, मैं है, जिससे हमें हमेशा के लिए मुक्त होना है, और वो भी अभी इसी वक्त। उसके बाद जो होता है वह पूरी तरह से अलग आयाम है। आगे की बात हम कल करेंगे।